हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो व्लॉग होने वाला है बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग है, क्योंकि आज हम एक हिडन जेम्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं इन उत्तराखंड नियर बाय चंबा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं निकल गया हूँ अपने घर से, जो नियर बाय चंबा मार्केट है। एक चंबा आपका हिमाचल में और सेकेंड है हमारे उत्तराखंड में। और जितना ही खूबसूरत चंबा हिमाचल में है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा खूबसूरत चंबा हमारा उत्तराखंड का है। तो आप प्लीज़ आइएगा हमारे चंबा में, विज़िट ज़रूर कीजिएगा। और अभी फ़िलहाल मैं पहुंच गया हूँ चंबा मेन मार्केट। ये हमारे चंबा की छोटी सी एक मेन मार्केट है, ज़्यादा छोटी नहीं है, क्योंकि अराउंड 9 to 10 गाँव जो है वो निर्भर करते इसी मार्केट के ऊपर। तो मैं इसे ज़्यादा छोटी भी नहीं बोल सकता, लेकिन जैसे शहरों में होता है बड़ी बड़ी मार्केट, तो उसके अकॉर्डिंगली इतनी बड़ी भी नहीं है। तो व्लॉग स्टार्ट करने से पहले हम पेट्रोल भरवाने चलते हैं, क्योंकि मैंने चेक किया है बाइक का इंडिकेटर जो होता है पेट्रोल का, वो दिखा रहा है कि पेट्रोल बहुत ज़्यादा लो है। तो पहले पेट्रोल फिलअप करवा लेते हैं। तो अभी मैं जो आज जा रहा हूँ वो पुरानी टिहरी रोड है, और यहाँ पर एक पेट्रोल पम्प है जिसका पेट्रोल की जो क्वालिटी है वो मुझे थोड़ा डिसेंट लगती है बाकी अदर्स पेट्रोल पंप के अकॉर्डिंगली। तो इसलिए मैं ज़्यादा प्रेफर इसे ही करता हूँ कि यहीं से पेट्रोल भरवाऊँ। तो स्टार्ट करते हैं, अभी पहले थोड़ा पेट्रोल भरवा लेता हूँ मैं गाड़ी में। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत छोटा पेट्रोल पम्प है, अकॉर्डिंगली टू जैसे ऋषिकेश, देहरादून या दिल्ली सिटीज़ में होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली पहाड़ों में पेट्रोल पंप जो होते हैं वो छोटे होते हैं, और उनमें फ्यूल स्टेशन भी सिर्फ 2 या 3 ही अवेलेबल होते हैं। जैसे दिल्ली इन साइड जगह आपको दिख जाए कि एक ही बारी में 9-9, 10-10 गाड़ियां लग जाती है और पेट्रोल फिलअप हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे छोटे पेट्रोल पम्प होते हैं, छोटे और बहुत कम मात्रा में ही फ्यूल स्टेशन होते हैं। अराउंड 1-2 to 3 फ्यूल स्टेशन लगे रहते हैं हर पेट्रोल पम्प पर। तो और यहाँ पे ज़्यादा नीट एंड क्लीन भी नहीं होते, जैसे कि आप नीचे देख रहे होंगे जो अभी आपको सामने का व्यू दिख रहा है। तो कि मतलब वहाँ पे आप चेक देखते होंगे, वहाँ पे पूरा जो फर्श है वो प्रॉपर एक अच्छे तरीके से डला हुआ होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे कहीं पे उबड़ खाबड़ होगा, जैसे ये बीच में एक नाली सी जा रही है। तो पहाड़ों में थोड़ा कंजस्टेड होने की वजह से छोटे मोटे मतलब ऐसी ही चीज़ें देखने को मिलती है हर चीज़ों को लेकर। तो गाइस, हमने पेट्रोल भरवा लिया है, अब हम निकलते हैं अपने हिडन जेम्स को एक्सप्लोर करने के लिए। अब ये सामने आप रास्ता देख रहे हो, दो तरफ जा रहा है, एक जो जाता है सीधा वो ऋषिकेश के लिए, और ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है ये न्यू टिहरी के लिए, जहाँ पे आज हम हिडन जेम्स एक्सप्लोर करेंगे। और अभी थोड़ा आगे जाते ही मैं आपको दिखाता हूँ, ये सामने आप देख रहे हो राइट साइड में पुलिस थाना चंबा, ये हमारे चंबा क्षेत्र का पुलिस थाना है। और लेफ़्ट साइड में अभी आप देखोगे ये वाइट कलर की जो बिल्डिंग है, ये हमारे यहाँ का गौतम रेजिडेंसी। अगर कभी आप आओ चंबा में हमारे यहाँ विज़िट करने, तो आप इस होटल में स्टे कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा होटल है। आप इसमें गूगल रिव्यू भी चेक कर सकते हैं इस होटल के। और इस होटल की जो एक और ख़ासियत है वो ये है कि आप जब इसके टेरेस में जाएंगे तो आपको वहाँ से जो व्यू मिलेगा वो बहुत ही सुंदर व्यू है। आपको वहाँ से पूरा चंबा दिखेगा, और सामने जो हिल्स है वो बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा नज़ारा होता है। और ख़ासकर जब सुबह सुबह मॉर्निंग मतलब जब सनराइज़ हो रहा होता है, तब आप जाके वहाँ पे देखो तो सीरियसली बहुत ही प्यारा अनुभव मिलता है। गाइज, जैसे कि आप देख रहे होंगे मेरे लेफ़्ट हैंड साइड पर जो वॉल चल रही है, ये पुलिस लाइन है। इसे आप पुलिस स्टाफ क्वार्टर के नाम से भी जैसे जानते ही हैं। और अभी फ़िलहाल हम उसको क्रॉस करके यहाँ बासाई थॉल पहुँच चुके हैं, और ये बासाई थॉल की मार्केट स्टार्ट हो जाती है। जिस साइड मैं कट ले रहा हूँ लेफ़्ट हैंड साइड में, ये हमारी न्यू टिहरी के लिए रोड कट रही है, जिस तरफ हमें जाना है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, जो हिडन जेम्स आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं वो न्यू टिहरी रोड पर पड़ता है। और जो राइट हैंड साइड पे रोड कट रही थी बासाई थॉल से, वो जाती है पंत विश्वविद्यालय के लिए। तो फाइनली गाइस, हम अपने हिडन जेम्स के पास पहुंच गए हैं। यहाँ से ऑफ रोडिंग, बाइकिंग,
स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि आप देख रहे हो पूरी रोड ख़राब है और यहाँ पे आपको थोड़ा संभल के भी चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी आप आगे देखोगे तो जंगल का एरिया है, चारों तरफ जंगल ही जंगल है, तो उस वजह से वहाँ पे नमी ज़्यादा है। तो जो ये रोड है वैसे ही कच्ची रोड है, तो यहाँ पे जैसे अभी आप देख रहे हो पूरा पानी पानी भरा हुआ है। और अभी आप ये देखो, इस जंगल की मैं आपसे बात कर रहा था, ये पूरा जंगल एरिया है, और आप अगर ध्यान से देखो तो जो रोड है वो पूरी नमी हो रखी है रोड में। और नमी के कारण क्या है, जैसे ही आप हल्की सी ब्रेक मारोगे तो आपके जो टायर हैं वो स्किड करने लगेंगे। जैसे आप ये आगे देखो, ये एक स्कूटी और इसमें तीन लड़के जा रहे हैं, और आई थिंक इनकी स्कूटी फंस गई है शायद। हाँ मे बी, हाँ इनकी स्कूटी फंस गई है, और ये एक बंदा उतर के इसे धक्का भी मार रहा है, क्योंकि स्कूटी के वैसे ही टायर छोटे होते, तो वो स्लिप हो रही है, एक ही जगह में गोल गोल घूमे जा रहे हैं उसके टायर। चलो भाई चलो चलो चलो, ये देखिए ये देखिए, देखा आपने ध्यान से, तो यहाँ पे इनकी स्कूटी जो थी स्किट हुई, ये बाल बाल बचे। चलो हम इनको आगे क्रॉस करते हैं और हम आगे निकल जाए। और अराउंड 5 to 10 मिनट्स की ड्राइव के बाद अब जाके मुझे कुछ घर दिखे हैं, और जंगल थोड़ा साफ हुआ है, कुछ लोग नज़र आ रहे हैं रोड पे, और ये अंकल भी मुझे हाथ से इशारा करके यही बता रहे हैं कि आराम से चलो, आगे रोड ख़राब है। तो फाइनली गाइस हम अपने हिडन जेम्स के पास पहुंच गए हैं, और जो आज का हिडन जेम्स जिसे हम एक्सप्लोर करने वाले हैं वो है ये रेसान महादेव। ये शिव जी का ही एक मंदिर है, आगे आप देखेंगे। और अब हमने ट्रैकिंग चालू कर दी है, क्योंकि इससे ऊपर बाइक नहीं जाएगी। ये मेरा फ्रेंड है अभिषेक, और भी कुछ लोग आ रखे हैं जो गांव के आसपास के लोग जो जानते हैं। तब तक आप यहाँ के आसपास के जंगल देख सकते हैं, चारों तरफ पूरा एरिया जो है जंगल ही जंगल से भरा हुआ है। अलग अलग तरीके के यहाँ पे पेड़ हैं, और पेड़ों में जैसे कि मैंने बताया था जंगल हैं, तो यहाँ नमी ज़्यादा है, और बारिश होने के कारण यहाँ पे पूरे रास्ते में आप देखो एक ग्रीन ग्रीन सी काई सी जमी हुई है। इसमें भी बहुत संभल के चलना पड़ता है, क्योंकि इसमें पैर स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और 10 से 15 मिनट की ट्रैकिंग के बाद अब हम सबकी हालत बहुत पस्त हो चुकी है, क्योंकि आदत नहीं है ट्रैकिंग की, और बस धीरे धीरे चले जा रहे हैं, देख रहे हैं कब तक हम मंदिर तक पहुंचते हैं। यहाँ से थोड़ा थोड़ा दिखना स्टार्ट हो गया है मंदिर, और ये रहा, फाइनली हम पहुंच गए अपने हिडन जेम्स पे, आप देख सकते हैं।